Welcome back. Asma Jahangir, former president, Supreme Court bar, and lawyer to Hussain Haqqani, Supreme Court में जो अभी बहुत famous, जिसकी सब बात कर रहे हैं, petition चल रही है, Memogate scandal भी इसको कहा जाता है. Asma Jahangir साहिबा, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं. आज आपसे मैं ये मौके से फ़ायदा उठाते हुए ये पूछना चाहूँगा कि कुछ अखबारात में आपके बयानात आए कि उसामा बिन लादेन के अफेयर पर आपने जो है जनरल पाशा का कहा कि उनको तो रिज़ाइन कर देना चाहिए था. मज़ीद जो बातें हुई हैं मंसूर एजाज साहब की तरफ से कि वो सिविलियन हुकूमत का तख्ता पलटने के हवाले से उन्होंने जो है कई गैर मुल्की लोगों से भी बल्कि वहाँ उन ममालिक में जा के ये चीज़ डिस्कस भी की है. आपके ख्याल से अगर मंसूर एजाज की बातें हुसैन हक्कानी के हवाले से नहीं मानी जा सकती तो फिर ऐसा क्यों है कि जनरल पाशा के हवाले से हमें ये बातें माननी चाहिए? मैं तो मान ही नहीं रही. मैं तो मंसूर एजाज की कोई बात सही नहीं समझती और मैं तो उस पूरे मेमो को शेख चिल्ली वाला मेमो कहती हूँ. मगर जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं जब सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकली, मुझे सहाफ़ियों ने ये पूछा कि उनको रिज़ाइन करना चाहिए. एग्जैक्टली जो आप बात कर रहे हैं कि मंसूर एजाज ने ये लिखा और आप वो क्लिप चलवाइए. मैंने उन्हें कहा इस ब्रीफ के हवाले से मैं ये बात कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इस ब्रीफ के हवाले से मैं ये नहीं बात कर रही, मगर ख़ुद एक अदना सी सियासी एक्टिविस्ट के हवाले से मैं ये कहती हूँ कि अगर उन्होंने रिज़ाइन करना होता तो वो तब रिज़ाइन करते जब हमारी सोवरेनिटी वायलेट हुई, जब हमारी सिक्योरिटी वायलेट हुई एबटाबाद इंसिडेंट के बाद. ये मेरा कहना था और ये मैंने एग्जैक्टली बात कही. बाकी आप देखें, आपने ये बातें जो बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है, आपको नहीं एतमाद है, चले बिल फर्ज सुप्रीम कोर्ट गलती कर सकता है या नहीं कर सकता? बिल्कुल हर इंसान कर सकता है. इनफैलिबल है, हर इंसान गलती अगर कर सकता है, अगर कर सकता है तो मेरी इंक्वायरी ऊपर से क्यों शुरू हो? जो कि अगर मेरे ऊपर कोई एक्विजिशन है तो मेरी इंक्वायरी वहां से क्यों ना शुरू हो जहाँ बाकी. लेकिन मैडम ऐसा नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट नहीं, ठीक है, आपकी आपकी राइट्स ऑफ अपील की आप बात कर रही हैं, डिफरेंट फोरम्स की बात कर रही हैं, नहीं आप ये क्यों नहीं हो सकता? जी जितनी इंक्वायरीज पहले हुई हैं, कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया है, यानी कि एक सहाफी मारा गया है, यहाँ किसका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है? ठीक है, मगर आप लोगों को थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स पूरी तरह पेश करना चाहिए. वहाँ पे दो पिटिशनर्स ने ये आर्ग्यू किया. एक ने ये कहा कि ड्रोन अटैक हो रहे हैं, हमारे लोग मरे हैं, इतने लोग मरे हैं फाटा में, उसको लिंक किया मेमो से, ठीक है. दूसरे ने कहा कि ये हमारी जो है हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है, ये मेमो के साथ आर्ग्यू किया. अब आप मुझे बताएं कि कहीं तो कोई हदूद रखें, कोई नेक्सस भी तो बनाएं. कल को कह देंगे कि यहाँ पे बकरे बहुत मर गए तो वो भी मेमो के साथ हो गया. कोई तो नेक्सस होना चाहिए. नहीं लेकिन आप मुझे बता ज्यादा हमें मैं मान लो ठीक है, वो एक कानूनी बात है कि मेंटेनेबल पिटीशन जब भी होगी. अगर कानूनी बहुत जरूरी है. नहीं वो तो वहाँ होनी है कोर्ट में, ये बहुत जरूरी है, ठीक है. बट आपने मुझसे कहा कि लोगों को समझाना. जी लोगों को, मैं लोगों को ये समझाना चाह रही हूँ कि ये वो नहीं है, जस्टिस का सिस्टम नहीं है, इंसाफ का ये नहीं है कि घंटी बजाएं और कहे माबदौलत मुझे इंसाफ खड़े चढ़े दे दे. आप अगर वजीर आजम होती, मिस जहांगीर अगर आप वजीर आजम होती और आपके DGISI ने आपसे पूछे बगैर ये इन्वेस्टिगेशन की होती और वो मुल्क से बाहर गए होते, आप क्या करती? सैक कर देती, टोटली सैक. ठीक है, तो आप आपके ख्याल से मैं खुद इंक्वायरी कराती जो कि वजीर आजम ने करवाई है, और मैं पार्लियामेंट से कराती क्योंकि ये एक बड़ी पॉलिटिसाइज इंक्वायरी है. नहीं लेकिन इसीलिए तो पार्लियामेंट से कराना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पार्लियामेंट में जो अक्सरियत की जमात है उस जमात के सरबराह जो हैं वो इम्प्लिकेट हुए हुए हैं इसमें, तो एक इम्पार्शियल इंक्वायरी की तवक्को नहीं रखी जा रही. मेरी बात सुनिए, फिर आप कहें कि पूरी पार्लियामेंट को ही छुट्टी करा दें. अफसोस हुआ कि इसहाक डार ने खड़े होके जो वहाँ पे कहा कि जिस शाख पे वो बैठे थे उसको काटे चले जा रहे थे और कहा कि हमें एतमाद नहीं है, तो फिर ये पूछा गया बेंच से कि फिर आपको तो पूरी पार्लियामेंट पे नहीं हुआ एतमाद होना चाहिए. तो अगर उनको पार्लियामेंट पे नहीं एतमाद है, एक मंजूर एजाज के कहने पे छुट्टी कराएं पार्लियामेंट की, छुट्टी कराएं प्राइम मिनिस्टर की,
सब चीजें दे दें आप। अच्छा, लेट्स गो टू द वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर योर क्लाइंट। लेट्स से दैट कोई इन्वेस्टिगेशन में ये निकलता है कि मेमो लिखने का वाकई उन्होंने कहा था और उनको सदर पाकिस्तान ने कहा था। अब अगर ये ऐसी बातें सामने आती हैं, ऐसा है ही नहीं। ठीक है, आप तो कह रही हैं नहीं है, सर है ना पैर है, नहीं है ही नहीं। देयर इज नॉट एन आयोटा ऑफ प्रूफ, नॉट वन आयोटा, नॉट वन आयोटा। या तो मुझे बता दें कि उसके अंदर हुसैन हक्कानी की जबानी जो कुछ उसने दिया है, उसने मेमो का लफ्ज भी इस्तेमाल किया। इतना डरते क्यों हैं आप लोग अगर इन्वेस्टिगेशन हो जाए? अगर कुछ है ही नहीं, अगर आप कहीं से फंसे हुए ही नहीं है इसमें, तो फिर मसला क्या है? हम इन्वेस्टिगेशन, मैंने आपसे कहा है, मैंने कब कहा है, मगर क्या मुझे हक नहीं है ड्यू प्रोसेस का? देखें, आप मेरी बात सुने, जब हमारे चीफ जस्टिस साहब, और मैं वो ट्रबलसम डे याद करती हूँ, इतना वो ट्रेजिक डे था जिस दिन आदर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने इनको डिसफंक्शनल कर दिया था, याद है ना? बिल्कुल। और हमने ये कहा कि ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में नहीं जाएंगे, क्यों? ड्यू प्रोसेस की बात थी, हमें यकीन था कि वो जब उससे निकलेंगे तो इतने क्लीन एज अ विसल निकलेंगे, हमें कोई डर तो नहीं था। मगर उनके लिए ड्यू प्रोसेस है तो मेरे लिए भी ड्यू प्रोसेस है, और एक मेरे लिए ड्यू प्रोसेस है, मेरे मुताबिक जो काम करता है उसके लिए भी ड्यू प्रोसेस है। ड्यू प्रोसेस का मकसद इसलिए होता है क्योंकि आपको इंश्योर्ड होती है, आपको इंसाफ इंश्योर्ड होता है। और मैंने इसीलिए आपसे कहा कि बिल फर्ज ये गलती करें तो मुझे बताएं मैं फिर कहाँ जाऊंगी? इससे ऊपर कोई अदालत है तो उसका नाम नहीं। लेकिन आप मेरे और आपकी सोच में फर्क ये है कि मैं ये समझता हूँ अगर सुप्रीम कोर्ट इसकी फैक्ट फाइंडिंग महज करवा देता है तो उसका जो नतीजा था, जो भी रिपोर्ट बनेगी, जो भी वो मेरे अच्छा, उस फैक्ट फाइंडिंग से मुझे कुछ इख्तलाफ हो, हाँ, वो फैक्ट फाइंडिंग में मेरे इंक्वायरी के भी कानूनी और प्रिंसिपल आपको बताता हूँ आपके, अगर एज लॉन्ग एज इंक्वायरी जो है सुपरविजन में इम्पार्शियल और नेचुरल जस्टिस के तकाजे, कानून के तकाजों के मुताबिक अगर हो जाती है, क्यों वो रिपोर्ट एक तैयार हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला तो नहीं करेगा ना? सुप्रीम कोर्ट उस पर जरूरी तो नहीं है कि कोई फैसला कर देगा, वो कहेंगे भाई ये इंक्वायरी कराना जरूरी थी। भाई मैं क्यों रिस्क लूं? मैं किस लिए रिस्क लूं? अच्छा, अगर कानून, मैं अपने राइट का तहफ्फुज पहले से क्यों ना करूं? नहीं, वो आपका हक है, आप क्या गुनाह है कि मैं अपने राइट्स का तहफ्फुज करूं? ये मेरा गुनाह है क्या? ये सुप्रीम कोर्ट इसीलिए बैठा है कि लोगों को ड्यू प्रोसेस, लोगों को उसके राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए, इसलिए तो नहीं बैठा कि लोगों को। मैडम, आप हमारी गिल्टी हैं, आप हमारी लॉयर्स मूवमेंट का एक कलीदी हिस्सा बल्कि एक सरबराहों में से थीं। आप ये जानती हैं कि कोर्ट में जब केस चल भी रहा हो तो लोगों को मोबिलाइज करना और उसका जो एक पॉलिटिकल आंसर होता है वो भी हिस्सा होता है किसी भी इस तरह के हाईली पॉलिटिसाइज, जिस तरह आप कह रही हैं केस का, तो आप इसीलिए मैं चाहती हूं, इसीलिए मैं ड्यू प्रोसेस चाहती। ठीक है, मेरा मीडिया ट्रायल बहुत हो गया और मेरे मीडिया ट्रायल ने जो शॉर्ट जजमेंट आई है वो मीडिया ट्रायल उसमें रिफ्लेक्ट होता है। मुझे सुना नहीं गया, मुझे ECL पे डाल दिया गया, ECL पे नहीं कि मुझे मुल्क से जाने से रोका गया, मुझे सुने तो उन्हें रोकेंगे नहीं तो इंक्वायरी किस तरह होगी? एक्सक्यूशन नहीं है अगर उनको रोकेंगे नहीं तो इंक्वायरी कैसे होगी? नहीं है सर, मेरे ऊपर अभी कोई एक्सक्यूशन नहीं है और मुझे मुल्क से जाने से रोक दिया। एक्यूजेशन तो है, इस्तेमाल किया हाई ट्रीजन का, जब फौज के सरबराह तो अपना ओथ पे कहते हैं कि नहीं, आप अपने हाथ पांव काट दें, आप अपने हकूक छोड़ दें, आप कहें जी मुझे तो बस इत्माद ही था। अरे भाई, ऐसा इत्माद मैंने अपने माँ बाप पे नहीं किया, मैंने अपने बच्चों पे, खामद पे नहीं किया, मैं क्यों करूँ ऐसा इत्माद? मैं कानून पर इत्माद को लूंगी, मुझे हक तो कानून की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। ठीक है, आपको हक है, इसमें कोई शक ही नहीं है, यू कैन आर्ग्यू दिस पॉइंट, ये तो नहीं है इशू। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा था कि कोई अगर दरमियाना रास्ता निकल पाता कि आप कहती हैं कि भाई फैक्चुअल इंक्वायरी यानी मुकमका नहीं, मैं मुकमका नहीं, मैं अपनी इनोसेंस प्लीट करूंगी। नहीं, मुझे तो आपने कर दिया आटा गूंदनी हिलनी क्यों? नहीं नहीं, कुछ नहीं किया आपको बगैर प्रूफ के, और मुझे चोर करके। और असल में मैडम, आप क्योंकि प्रेसिडेंट रही हैं सुप्रीम कोर्ट बार की, और आप एक सेकंड थोड़ी सी आपको मैं बताऊं, थोड़ा सा इंक्वायरी होगी। मैडम, मैंने एक चीज सीखी मीडिया में, अब मुझे जो है, ऑल्दो आई डू अ वीकेंड शो, आई एम नॉट वेरी प्रोमिनेंट इन द मीडिया प्रॉब्ली, बट टू व्हाटएवर एक्सटेंट आई एम, मैंने 2.5 साल में
एक चीज़ सीखी है, क्योंकि पेशावराना तौर पे मैं वकील हूँ और हमारी वकीलों की मेंटालिटी यही होती है कि भाई इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ही कोई क्रिमिनल ऑफेंस प्रूव होगा तो हम उसे समझेंगे कि वो मुजरिम है। लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी है मैडम कि जो सियासत है ना और जो अवाम है उनको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं चाहिए, उनके लिए परसेप्शन काफ़ी है। वो परसेप्शन जी सर बस ठीक है, फिर आप परसेप्शन पे ही जा रहे हैं ना। नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा अदालत जाए परसेप्शन पे, मैं ये नहीं कह रहा ये सही भी है, लेकिन ऐसा है, ऐसा है, ऐसा होता है, ऐसा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है जी। तो फिर अगर ऐसा है तो मेरा ख्याल है कल चुराहे पे ले जाइए हुसैन हकानी को, टांग नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ सियासी बंद करें। लुक आई एम नॉट सेइंग दैट इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ कोर्ट ऑफ लॉ, व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो तो कार्रवाई कानूनी चलती रहेगी, लेकिन अगर इस दौरान अवाम समझती है कि ट्रीजन किया है हकानी साहब ने या सदर साहब ने भी, मैं इस हद तक जाऊंगा। अवाम कोई नहीं समझती। अच्छा एक बात, कोई नहीं समझती। अच्छा अवाम ना भी समझे, वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप इसको, और वो भी नहीं समझते, वो भी नहीं समझते, उनको भी पता है। अच्छा व्हाट डू यू थिंक द आर्मी, व्हाट डू यू थिंक इज आर्मीज एंड गेम। मंसूर एजाज को इस्तेमाल किया है, उनको अच्छा भला पता है मंसूर एजाज। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, आप ये देखिए इंडिपेंडेंट अखबार में उमर वड़ाइच ने एक आर्टिकल लिखा, ठीक है ना, वो आर्टिकल उसने वो लिखा जो मंसूर एजाज ने खुद पेश किया है कोर्ट में। तो हमारे DGISI अखबार को सू करते हैं मगर प्यारे मंसूर एजाज को नहीं वो सू करते। तो क्या हकानी साहब, हकानी साहब ने कर दिया सू उन्हें, हकानी साहब ने कर दिया उन्हें सू, वो तो करेंगे, हम तो अच्छा, करेंगे। मगर इन्होंने नहीं किया एक ऐसे शख्स से। अच्छा मैडम व्हाट डू यू थिंक, आपने फौज इतनी चीजें लिखता रहा है। अच्छा फौज को आप काफी समझती हैं, आप मुझे बताएं आपके ख्याल से व्हाट इज द एंड गेम। वास्ता बहुत रहा है सर, वास्ता बहुत रहा है, बहुत वास्ता रहा है। सही कह रही हैं आप। मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल से आप क्या परसीव करती हैं कि इस पिटीशन के पीछे जो एक्चुअल एंड मोटिव है, एंड गेम इसका क्या है, जो चाहते हैं बेनामी पिटिशनर बकौल आपके, वो चाहते क्या है एट द एंड ऑफ दिस। देखिए नहीं, मैं आपसे अर्ज करती हूँ, चाहते तो वो ये थे कि इसके थ्रू, क्योंकि हुसैन हकानी को तो कुर्बानी का बकरा मुझे लगता है बनाना था कि इसके थ्रू उससे फौज को क्या मिलेगा जी। फौज हुसैन हकानी की क्या हैसियत है, फौज की इतनी बड़ी फौज को हुसैन हकानी को टांगना था बस। मैं आपसे यही, और कुछ भी नहीं, मैं आपसे यही तो अर्ज कर रही हूं, he was just a conduit absolutely। so who's the ख्याल है कि मेरा ख्याल है what do they really want, what do they really want। नहीं देखिए वो हाइप क्रिएट हुई, एकदम ऑर्डर आ गया, मगर मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने जब पढ़ना शुरू किया है, लोगों ने समझना शुरू किया है, हमारे लोग बेवकूफ़ नहीं, हमारे लोग बड़े काया हैं, वी रीड बिटवीन द लाइन्स। देखे आपने देखा हमारी सुप्रीम कोर्ट बार का आप ले देख लें कितना प्रोपागेंडा, ये वो फलाना ढिमकना, वकील ने वही किया जो उसकी मर्जी, समझते हैं लोग, यहाँ पे लोग समझ रहे हैं, जो लोग बाहर आ रहे हैं उनकी भी चेहरे जो है वो जाने पहचाने हैं, क्या कुछ हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, हम कोई आँखें बंद करके तो नहीं बैठे हुए, क्या हम दिमाग से मऊज हैं, क्या हमें अकल नहीं है, बाशऊर नहीं है, क्या समझा है इस पाकिस्तानी कौम को, और ये कहना कि एक ऐसे बेवकूफ के ऊपर हमारी हमारी कौम की टांगें हिल गई। हमारी कौम ने इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ सहा है, इतनी हम बहादुर और बेहतरीन कौम हैं, मेमो ऐसे मेमो को हम क्या समझते हैं। नहीं मेमो के कंटेंट्स तो फिर भी थोड़े संगीन है, देखिए वो बात ठीक है, आप उसमें मैं नहीं जाऊंगा, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है वो संगीन है, वो शेख चिल्ली है। आप मुझे खुद बताएं, आप चले मुझे आप अच्छा व्हाट डज द आर्मी वांट यू थिंक, व्हाट डज द आर्मी वांट, आप मुझे बताएं कि जो कुछ उस मेमो में लिखा है कोई शेख चिल्ली ही होगा सिविलियन लीडर जो समझता है कि वो ये कर सकता है, ये आप मुझे इसका जवाब दे हाँ या ना। वो भी पेपर पे लिख के दे दे, मतलब ये कह के ये पेपर पे लिख दो, नहीं ठीक है, उसको जरूरत क्या है भाई, वो रोज खुद मिल रहा है उनको। अच्छा फिर दूसरा नहीं, वो खुद नहीं, वो खुद नहीं करना चाह रहे थे ना कि कल को उन पे ना आए। बहरहाल देखें ये who knows what the truth is over there। कुछ अच्छा आप मुझे आगे आगे मेरी एक और बात जी, मंसूर एजाज साहब ने दूसरा आर्टिकल लिखा है आफ्टर मीटिंग द DGISI, उसमें लिखा है कि एक्चुअली हुसैन हकानी को और गवर्नमेंट को ये भी पता था कि ये अटैक कैप्टनबाद वाला होने वाला है, ठीक है, और वो इसके अंदर बड़े मुलव्वस थे। अगर बहुत, वो बहुत इतने बड़ी एक्यूजेशन थे, बहुत बड़ी, अच्छा वो अगर इतने क्लोज थे कि वो तो फिर बगलों में बैठे हुए हैं, तो फिर इस
इसको जोकर को देने की क्या जरूरत थी? आप सोचें उस बंदे का, ताकि खुद का नाम ना आए। चलें, ठीक है, ठीक है, मुझे ये आप बता नहीं रही कि आपके ख्याल से एंड गेम क्या है फौज का? सर, फौज का एंड गेम क्या है? उस पे नाम आ जाए कि इनको एबटाबाद का पता था, उस पे नाम आ जाए, वो जो बहुत ज्यादा संगीन बात है, मगर इस पे नाम ना आए। डज इट स्टैंड टू लॉजिक? ओके, फाइन, डज इट स्टैंड टू लॉजिक? ओके, बट इट ऑल्सो डजंट स्टैंड टू लॉजिक दैट द आर्मी वुड डू ऑल दिस जस्ट टू गेट हुसैन हक्कानी। सो व्हाट डू दे रियली वांट इफ इनडीड दे आर बिहाइंड दिस एज यू से? What do they want? But देखें, अगर आप विकीलीक्स पढ़ें तो यहाँ तो बड़ा कहा जाता है अमरीकनों का ये फलाना वो। मैंने तो आज ही आर्टिकल पढ़ा है, हमारे एक वकील साहब ने लिखा है, मैं तो नहीं प्रिवी टू दिस थिंग। तो विकीलीक्स में ये भी लिखा है कि हमारे आर्मी चीफ साहब ने यहाँ पे अमरीकन एम्बेसडर से कहा कि वी शुड गेट रिड ऑफ द प्रेजिडेंट। तो ये क्या चीज़ें हैं? हुसैन हक्कानी मे बी दे डिडंट लाइक एज एन एम्बेसडर, मे बी द फैक्ट दैट ही वॉज टू इंडिपेंडेंट एज एन एम्बेसडर, और उससे पहले भी दो दफ़ा ये बातें हो चुकी। डू यू थिंक कि मिलिट्री टेक ओवर का कोई चांसेस नजर आ रहे हैं आपको? नजर आ रहे हैं कोई चांसेस मिलिट्री टेक ओवर के अनकरीब? कोई चांसेस, कुछ शवायद हैं कोई? आप फिर वही मैं कहती हूं, उनको क्या जरूरत है टेक ओवर? ठीक है, यानी टेक ओवर नहीं होगा, ठीक है, मैं यही सुनना चाह रहा था। फाइन, फाइन, तो दे इंटीरियर मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, दे वांट मोर एंड मोर एंबेसडर्स ऑफ देयर चॉइस। ओके, दे वांट के आहिस्ता आहिस्ता जो टेक ओवर किया है उस बढ़ते चले जाएं। अब वो जो लिखा है मंसूर एजाज ने, उसके अंदर हुसैन हक्कानी तो लिखा, वाजिद समसन हसन को भी ले आया, अब पर शायद किसी और को भी ले आए। तो वो तो चाह रहे हैं कि भाई पूरी फॉरेन मिनिस्ट्री हमारे कब्जे में हो। ठीक है, यानी कि आप समझती हैं कि फौज ने कोई एक्चुअल टेक ओवर नहीं करना, ऑलरेडी उन्होंने असर रसूख बढ़ा रहे हैं वो। इट्स अ पावर गेम, यू आर सेइंग। ओके, फाइन, इट्स अ पावर गेम। सो लेट्स से व्हाई वुड नवाज शरीफ वांट टू गेट यूज्ड इन समथिंग लाइक दिस व्हिच विल कम एंड बाइट हिम एज वेल? बिकॉज नवाज शरीफ साहब को तो सबसे बड़ा खतरा फौज से ही रहा है, पीपल्स पार्टी से नहीं, तो वो क्यों फिर? और मैं आपसे ये भी पूछूंगा, आपके ख्याल से इमरान खान की जो पार्टी अब बन रही है, आप क्या समझती हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के मोरे हैं या फिर एक ये महज इत्तफाक है कि इतने सारे सियासतदान जो मुशर्रफ साहब के साथ थे अब उनके साथ? देखिए, मैं आपसे पहली नवाज शरीफ साहब की बात करती हूँ, आई हैव द ग्रेटेस्ट ऑफ रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट फॉर हिम, इसलिए मैं उनके खिलाफ कोई बात ना करना चाहती हूँ ना करूँगी। तो इंडिविजुअल रिस्पेक्ट की वजह से आप अपना नहीं तबसरा नहीं करने को तैयार? नहीं, मैं आगे तो चलिए ना, आगे भी तो बात करने देना जी, मगर मेरा ख्याल है अनजाने में वो एक पत्ता खेल गए हैं जो शायद उनको अब रियलाइजेशन हो या ना हो, मगर होगी ज़रूर, वो आखिर सियासतदान हैं, वो ज़रूर रियलाइज़ करेंगे इस बात को। देखिए ना, उनको बनाना रिस्पोंडेंट, और वो रिस्पोंडेंट्स कह रहे हैं हाँ जी हाँ, और वो रिस्पोंडेंट्स आगे 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 हैं। बाकी आपने इमरान खान साहब की पार्टी की बात की है, वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ जो है हमारे सामने है, होता है सुबह रोज तमाशा मेरे आगे, ये हमारे सामने हो रहा है, हमने पहले भी ऐसी चीज़ें देखी हैं, आज भी देखेंगे, कल भी देखेंगे, अगर वो पावर में आ जाए हम खैर मकदम करेंगे, इसलिए चेंज भी आना हमारे लिए ज़रूरी है, लोगों को देखना भी ज़रूरी है, हमारी आवाम को परखना भी ज़रूरी है, और अगर आने से पहले ही मामला कोई गड़बड़ होता है तो हमारे लिए ये एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी आएगी, एक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस आएगा, इन चीज़ों का हम रोक नहीं सकते, हम ट्रांजिशन में हैं और ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह लोग जा रहे हैं, किस तरह ये बने, किस तरह पोस्टर्स लगे, ये कोई मेरे कहने की बात तो नहीं है। लेकिन जो जज्बा लाहौर के जलसे में था, आवाम में जो एक वाइब्रेंस थी, जो एक एनर्जी थी, दैट कांट बी इनकल्केटेड आर्टिफिशियली, कैन इट? नहीं नहीं भाई, है, मैं कह रही हूँ होगी जरूर जरूर, मैं, लेकिन आपका ये कहना है, बहरहाल मैं बालिग हूँ, मैं इस मुल्क में बालिग हूँ, मेरा हक है एक बालिग होने के नाते कि मैं भी कुछ सोच सकूं। नहीं, आप बिल्कुल है, और काश के सब ऐसा सोचने की तरफ जाएं तो बहुत बेहतरी आ सकती है। मैं मुझे उसके बावजूद कहती हूं, वो आए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी बनाता है हमें वेलकम करना चाहिए, बिकॉज हम तंग हैं, सियासी फोर्सेस से तंग हैं, नहीं आएंगी, हालांकि ये तो वही आ रही हैं, इधर से उधर जा रही हैं, चले कोई नहीं। लास्ट क्वेश्चन मैडम, हाउ डू यू थिंक द पीपल ऑफ पाकिस्तान विल रिमेंबर the supreme court for the role it has played since the restoration till now? How do you view that role?
How will history judge the Supreme Court? Controversial. Controversial. Very controversial. Well, on that controversial note, sorry to say thank that. You very much, Asma Jahangir, former president of the Supreme Court Bar, and Hussain Haqqani, आपने हमें join किया. आप viewers अगर चाहें तो जो आज discussion हुई, हमने कोशिश की कि पूरा जो Memogate scandal है और जो उसके असरात हैं पाकिस्तान की सियासत पे, उस पर हम बात कर सकें. हमने जो मुख्तलिफ फरीक हैं उनके हवाले से, उनके रोल के हवाले से भी बात की. आप हमें लिखें agenda360@cnbcpakistan.com, and more importantly हमारा Facebook page जो कि अब बहुत ज़्यादा active भी हो चुका है, and we have thousands of friends there who opine regularly. So aap uska hissa bane, become part of the debate, and we obviously feed off on that, aur wahan se hum apne topics bhi chunte hain. So hopefully see you tomorrow at 10:02 Sunday night.